दिग्रस्त असल में कोरोना संक्रमण का फैलाव और हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार की शाम को 4 पॉजिटिव मामलों के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 59 हो चुका है। वही इस बीच शहर से सटे अरुणावती बांध में रविवार की सुबह 3 बजे एक मछुआरे की गहरे पानी में डूबने से मौत की खबर हाथ आई है। साल 2020 लोगों के लिए न जाने कौन कौन सी आफतें और मुसीबतें साथ लेकर आया है। कोरोना विषाणु के जानलेवा फैलाव दुनिया भर के लिए जी का जंजाल बन गया है। हर शहर और गांव में कोरोना संक्रमण की धाक देखी जा रही है। यवतमाल जिले के दिग्रस तहसील में भी कोरोना के फैलाव की कहानी जुदा नहीं है। तहसील में अब तक करीब 15 लोग कोरोना संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। कोविड केयर के सूत्रों के अनुसार रविवार की शाम तक 4 पॉजिटिव रिपोर्ट्स प्राप्त होने से खबर लिखने तक कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 59 दर्ज की गई है। रविवार को पिंपरी के 2 अंबिका नगर से एक और कमान गेट परिसर से एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी मिली है। कोरोना संक्रमण के फैलाव के गिरते बढ़ते आंकड़ों के साथ ही तहसील में हर सप्ताह किसी न किसी कारण से हुए हादसों की फेहरिस्त भी लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार सुबह 3 बजे अरुणावती बांध में सांगा बुजुर्ग गांव के 43 वर्षीय मछुआरे दिलीप किशन बावने की गहरे पानी में डूबने से मौत की खबर उजागर हुई है। इस संदर्भ में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार शाम 4 बजे मछुआरों ने आदतन मछलियां पकड़ने का जाल बांध के गहरे पानी में डाला और रविवार 3 बजे दिलीप सहित अन्य 3 से 4 मछुआरे थर्माकोल की अपनी अपनी नावों पर सवार होकर जाल निकालने के लिए गए। इस दौरान बाकी लोग आगे थे और दिलीप पीछे लगे हुए जाल निकाल रहा था, तभी गहरे पानी में गिरने की आवाज ने उसके साथियों को विचलित कर दिया। उन्होंने टॉर्च शुरू कर पीछे देखा, लेकिन दिलीप तब तक गहरे पानी में गिर चुका था। रात के अंधेरे में उन्होंने अपने साथी को काफी देर तक ढूंढा, आवाजें भी लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार इस घटना की जानकारी दिग्रस पुलिस थाने को दी गई, जिसके बाद दिग्रस पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मुआयना कर पंचनामा और तफ्तीश शुरू की। खबर लिखने तक पानी से लाश के बरामद होने की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आम्ही तो बॅटरी दाखवून राहिलो तो उजीड ते आवाज आला, ते नावीर काय दिसले नाही, पडले नावीर। हो का? किती वाजताची घटना आहे? तरी 3:00-3:00 जवळपासची। नाव काय होतं? दिलीप किशन बावने। राहणार सांगा बुद्रुक। मृतक मछुआरे दिलीप के पश्चात परिवार में पत्नी, एक लड़का और एक लड़की है। दिग्रस पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इनबीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।